नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को आपण मानको स्वागत करू छी मु बंदिता आसीबा संपूर्ण खबर को राज्य रे पुलिस सक्रिय वज्रकाप्ता रैकेट सुबर्णपुर राजकोठीर दुई जण वज्रकाप्ता एजेंट को गिरफ करी छी एसटीएफ गिरफ दुई एजेंट हेले सोमनाथ बाग एवं मार्शनल भेंगरा उभय को घर सुबर्णपुर जिल्ला रे बोली जणा पड़ी छी एसटीएफ टीम उभय को पचराउचरा चलाई छी उभय को थारु एक बड़ वज्रकाप्ता समेत 5 केजी 65 ग्राम ओजन रो वज्रकाप्ता काती जब्त करा जाई छी ओडिसा पश्चिमबंग देई म्यांमार को विरल वज्रकाप्ता चालन हेउथिला सूप मेडिसिन एवं अलंकार पई ए सब चालन हेउथिला बोली जणा पड़ी छी सुबर्णपुर राजकोठीर दुई जण वज्रकाप्ता एजेंट को गिरफ करी छी एसटीएफ गिरफ दुई एजेंट हेले सोमनाथ बाग और मार्शनल बेंगरा उभय को घर सुबर्णपुर जिल्ला रे बोली जणा पड़ी छी एसटीएफ टीम उभय को पचराउचरा चलाई छी उभय को ठारु एक बड़ वज्रकाप्ता समेत 5 केजी 65 ग्राम ओजन रो वज्रकाप्ता काती मध्य जब्त करा जाई छी अधिक आलोचना पई फोन लाइन रे अछन्ते हम प्रतिनिधि प्रवीर प्रधान प्रवीर पूरा घटना कोन रही छे एवं एई दुई जणक सह आउ केओ मानकर संपृक्त अछि के घटना नै देखो जिते बर्तमान गिरफ होती दुज एजेंट एम जो जबत होती 5 केजी 65 ग्राम वज्रकाप्ता काटी एवं गोटे जीवंत वज्रकाप्ता जबत करता कि जो वज्रकाप्ता को काटी को म्यांमार पठाई प्लान करते जो जहाँ जमा पड़ी आश्चित भाव एम जहाँ सहित डिलिंग करते वज्रकाप्ता बिक्री से बर्तमान कौन से पता मिल पारि ना निश्चित भाव पूर्व आप जानते वज्रकाप्ता चलाचल मामलें अनेक एजेंट गिरफ्त होती शिकारी गिरफ्त होती किंतु एवं पुणि थे लॉकडाउन सटडाउन पर पुणि थे वज्रकाप्ता चलाचल जो राकेट पुणि थे सक्रिय होती घटना निश्चित भाव तेल लंबी पूर्व म्यांमार पर्यटन तेल लंबी था कि एसटीएफ तदंत करा कि म्यांमार पर्यंत जबारे सक्सेस हो ना कि आशा कर जो गिरफ होती दुज एजेंट जो कि सोनपुर महानदी उपकूल एरिया रो जहां जमा पड़ी कि आहरी एजेंट जो अच्छा गिरफ हे गिरफ हेले पूरा वज्रकाप्ता चलाचल राकेट पर्दाफाश हम आ बड़ कथा यू वज्रकाप्ता को से काटी गुड़िक अच्छी जो जबत हो 5 केजी 65 ग्राम वज्रकाप्ता काटी पाखापाखि 30 लक्ष 40 लक्ष टंकार हम बोली बर्तमान सूचना मिली जहां विदेश जो बजार जो रेट अच्छी म्यांमार जो रेट अच्छी पाखापाखि 50 लक्ष 60 लक्ष टंका हबार पॉसिबिलिटी रही विशेषकर आप देखिए वज्रकाप्ता चलाचल होवार तीनोटि उद्देश्य रही गोटे हूँ वज्रकाप्ता को नहीं सेने मांस कर सूप कर पीयंती मेडिसिन या जो काती रे महिला मैंने अर्नामेंट कर पिंधती तो ये तीनोटि चारोटि उद्देश्य से वज्रकाप्ता चलाचल करु बर्तमान अंतर्जात विमान सेवा बंद थी बेले अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा संपूर्ण भाव बंद थी बेले एम म्यांमार केमी चलाण करते गोटे संदेह घर को आसी कहु दुई जन गिरफ होती निश्चित भाव आ पचर आहरी अनेक लोकर हाथ थे जो मैंने कि वज्रकाप्ता चलाचल डिलिंग करते सोमनाथ बाग और मार्शनल भेंगेरा होती एजेंट किंतु जो मान सहित डिल होता सूचना मिली कि केत टा डिल जमा पड़ ना कि जहां जमा पड़ी 30 रु 40 लक्ष टकर गोटे बड़ डिल होता सूचना मिली एवं एथिरे अन्य जो मानकर संपृक्ति रहिछि ताकू खोजिबा पई सेमानकु सेई लिंक टा बाहर करिबा पई एसटीएफ कोन किछि नुवा टेक्निक अप्लाई करिवो किबा टीम निर्दिष्ट को जगह रे चढ़ाव करिवार अछि कि देखो तो पूर्व जतन लगे न्यूज 18 रे वज्रकाप्ता चलाचल रो पूरा रैकेट आमे पर्दाफाश करथिल सेते बेले एसटीएफ सीबीआई को चिट्ठी लिखितला कि बोले आबे जेतु म्यांमार लिंक आसुछि देश बाहर लिंक आसुची प्लान कर चढ़ाव करने म्यांमार पर्यटन जावा कथा तो सेपर्यंत एसटीएफ को सफलता मिल पारिना अनेक थर आप देखिए सब बेले एजेंट गिरफ होती शिकारी गिरफ होती जो मैंने देश बाहर अच्छा विदेश रोचान सुधा किसी मिल पारना कितु जदि आप देखिए पूर्व जो केस आम स्टडी करवा से शमसुद्दीन खान गिरफ होता ता पु अलाउद्दीन खान गिरफ होते बड़ बड़ शिकारी एवं एजेंट गिरफ हो हाईकोर्ट रु बेल कथा आनुंच हाईकोर्ट रु बेल आने लॉकडाउन सटडाउन चलता बेले पुणि थे एवं लॉकडाउन सटडाउन उठी जाइए से समय पुणि थे राकेट बर्तमान सक्रिय हो उठी बर्तमान आप देखिए जब एसटीएफ चाहिए तो पूरा राकेट पर्दाफाश हम किंतु एपर्त जी सफलता मिलला कथा एसटीएफ को सेपर्त मिल पारिना एपर्त म्यांमार लिंक मिलते म्यांमार एपर्त कौन एजेंट कि जो मैंने बस डिल करतम एसटीएफ हाथ में धरा पड़ी ना कि आप देखुन न्यूज़ 18 ओडिया एक्सक्लूसिव चित्र
धन्यवाद प्रवीण सविशेष आलोचना वर्तमान सुवर्णपुर राजकोटर दुई जन वज्रकाप्ता एजेंट को गिरफ्त कर एसटीएफ और केवल गोटे बड़ वज्रकाप्ता नुहे पांच केजी पंचषठी ग्राम ओजन वज्रकाप्ता काती जबत करशा पश्चिमबंग मियामार को विरल वज्रकाप्ता चालन होता परवर्ती खबर को आसीबा एक्शन मोड रे कटक कमिश्नरेट पुलिस दातावटी आदाय अभियोग रे तीन जन को गिरफ करिछि मंगलाबाग पुलिस राणीहाट अंचल रु समस्त को गिरफ करा जाइछि दातावटी समेत एमानक ना रे विभिन्न थाना रे अनेक मामला रहितबा पुलिस कहिछि दातावटी आदाय अभियोग आसीले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जो बोली कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु कहा जाइछि ए बाबद आम रेड जारी रोब आ बहुत क्रिमिनाल धरा हे ये आखिदृश्य हे आम लोक कहू जे कौन प्रकार भयभ्रांति न रखी कहीं भी डिमांड कर टाँचा किए दादागिरी कर पैसा आदाय करने को चाहिए से जो स्तर होना कहीं कौन प्रकार सहय कर समस्ते गिरफ्त प्रत्येक सका माँ चार मध्य माँ नेत्र मंगलारती स्नान मार्जन इत्यादि करा जाय यहाँ पर माँ को प्रथम धूप करा जाय सका चंडी पाठ सूर्य पूजा नवशक्ति पूजा एवं मध्यान माँ को षोडश उपचार पूजा करा जायतला एवं सकाळ धूप पर माँ को वर्तमान पहड़ करा जाय इनी अधिक आलोचना पई फोन लाइन अछि हम प्रतिनिधि देवाशीष धळ देवाशीष पूजा पूर्व एमती एक उल्लेखनीय पदक्षेप वर्तमान नियाजाई कमिश्नरेट पुलिस तरफ एवं जीरो टॉलरेंस नीति को आधार कर क्रिमिनाल मान को वर्तमान गिरफ कर देखते बंदीता जहाँ कहीपर दादापटी ना जो अभियान करमिशनरेट पुलिस तरफ कल ये घटन राणी मंगला थाना कमिशनरेट पुलिस तीन जन को गिरफ्त कर जहाँ कि कहीपर पूजा पूर्व एक एक्शन मोड में अच्छी कमिशनरेट पुलिस तीन जन को गिरफ्त करा तो जेहेतु से नाम पूर्व यही भाव में दादापटी कहतु आटेम्प्ट मर्डर कहतु छिंते कहतु ये मामला पूर्व तो जेहेतु सीपिंग तरफ गोटे कहुई दादापटी ना जो मैंने भी दादापटी करवाक चाहू कि लोक को जो जबरदस्ती नवा पैसा नवा चाहते कि एक्शन निहब तेणु से तीन जन को गिरफ्त कर गिरफ्त कलापर से कोर्ट फरार करपटे जहाँ कहपर कमिशनर पुलिस अनेपटे सूचना दिखाई जी भी हो जो जो भी भाव में हो जब दादापटी मागे चेषा कर पूजा टाइम अच्छी कटक सहर से दादापटी मागे जी भी कि जबरदस्ती पैसा आने पैसा नाप चेस्ट करेंगे एक्शन नब कमिशनर पुलिस एक बार सूचना जी भी होता तापर एक्शन नब पंडित एमती किसी राजधानी किसी सूचना थाए पार्वण समय रे एही समय रे कमिश्नरेट पुलिस केते दूर निजक प्रस्तुत करिछि लोकंको सुरक्षा देबा पई देखते बंधुरा जहाँ कहीपर कमिशनरेट पुलिस कहवा अनुसार जेहेतु बेले बेले लोक मन में डर थाए लोक मैंने सूचना दिखते ना पुलिस को डर से काले कि हानि घटव कि जो मैंने दादापटी मगुंत से हानि घटाइबे से दूर लोक मैंने डर थाए कि कमिशनरेट पुलिस खुलम खोलाथर जो मैंने भी जेहे पूजा गोटे प्रक्रिया आरंभ हम ना तो पूर्व जहाँ पूर्वावस्थ देखाई थे कटक सहर जो पूजा मंडप थाए से प्राय दोकानी मैंने हमतु गोटे प्रकार अमाउंट कही था अमाउंट दि जाऊ कि एवर्ष जेहेतु पूजा आरंभर होना कौन लोक जबरदस्ती कि पैसा मागे चेस्टा कर पूजा मंडप हो कि लोकाल जो मैंने जो पार जो जो मैंने मगुच्च पैसा से एक्शन नापी एक प्रकार मनस्थ करदे जदि भी पैसा मागे किए कि जबरदस्ती पैसा मगुच्च तुरंत गिरफ्त कर एक प्रकार कमिश्नरेट पुलिस सूचना दे धन्यवाद देवाशीष सविशेष आलोचना वर्तमान एक्शन मोड रे कटक कमिश्नरेट पुलिस पूजा आरंभ हवा पूर्व दादापटी आदाय अभियोग तीन जन को गिरफ करपरी जदि आउ किसी अभियोग आसुच्चे कार्यानुष्ठान तुरंत नि कमिश्नरेट पुलिस पक्षर आश्वस्त कर बिहार निर्वाचन को नहीं बड़ खबर बिहार निर्वाचन ने एनडीए बड़ धरणर विजय होती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह गृहमंत्री एनडीए संपूर्ण प्रस्तुति और तामझाम निर्वाचन लड़ब राज्य एनडीए को मिल दुई तृतीयांश बहुमत तासह मिल बृहत विजय और नीतीश कुमार ही बिहार परवर्त मुख्यमंत्री हे जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है
वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, चुनाव में दो तिहाई बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा जिसके मुखिया नीतीश जी। चिराग पासवान को बयान जोगु कथाबार्ता बिगिड़ा कहते गृहमंत्री अमित शाह। चिराग को बयान जोगु मेंटो सामना रे संकट आसला और मेंटरु चिराग निजे ही ओहरी बोली शाह कहते शुणु एने न्यूज 18 सह एक्सक्लूसिव साक्षात्कार रे कौन कहते अमित शाह। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में है। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई, इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा, मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा में चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी, लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया, तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी। और फिर भी हमने नहीं तोड़ा, अंततः गत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। तांतिलानी बालेश्वर मैदान ग्राउंड रे तीन दल कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन ऊपर अधिक फोकस। बीजेडी प्रार्थी स्वरूप दास बालेश्वर विभिन्न वार्ड बुली सेपट प्रचार को जोरदार करिसेंती। बीजेडी प्रार्थी मानस दत्त, बीजेपी प्रार्थी मानस सहर विभिन्न स्थान बुली प्रचार करथिया बेले बीजेडी प्रार्थी मध्य सहर आखपाख गांव में प्रचार करछंती। चारिआड़े उपनिर्वाचन सरगरम, चारिआड़े चली बर्तमान कैंपेन, तबे तीन प्रमुख दल जो रोचान बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस मध्य एवं कैंपेन जोरदार कर बर्तमान। भारतीय जनता पार्टी पक्षर कैंपेन कर डोर टू डोर बुली जो प्रार्थी अच्छा मानस दत्त सी कैंपेन कर चित्र देखु कि भाव में बर्तमान जो उपनिर्वाचन कैंपेन चली। जो बीजेपी प्रार्थी रही मानस दत्त सी बर्तमान घर टू घर बुली प्रचार कर कैंपेन कर लोकं समर्थन अनुरोध कर प्रत्येक लोक भेटुंट समर्थन में अनुरोध करें समर्थन देवे कि भोट देवे। तेज जदि देखा जे केवल यह कैंपेन नुह आ सहित छोट छोट सभा करेतु कोविड रोटे नियम रोचे ता भितर पालन करवाक टे कथाई आम सहित प्रार्थी अच्छे कमी कौन कैंपेन आज चली संडे अच्छी के कैंपेन जोरदार रोचे ना आम डोर टू डोर कैंपेन को गुरुत्व दौचु लोकों सहित भेटुचु आम संगठन आम पर कथा कौचु आ समस्त को केवल गोटे कथा कौचु कि बापा अधूरा कार्य को संपूर्ण करने बाकी तक समय दिंतु आम से कम को कर देखू। देखूँ आमर प्राथमिकता रही है आम प्रत्येक बालेश्वर सदर में प्रत्येक लोक भेटू आमर कथा जो पाखे पहुँचबू आ देखूँ यहाँ ओडिशा इतिहास प्रथम जो बाइलेक्शन बालेश्वर होम ये इतिहास रचू आम बहु भोट्रे जितबू आई बार्ता सारा ओडिशा को जीव जो ओडिशा 2024 सरकार परिवर्तन होची एही वार्ता बालेश्वर जीव निश्चित जो भाई गोटे प्रकार दृढ़ता रोचे कर्मी मन में जहाँ को नहीं कैंपेन करी देखा जे केवल बीजेपी नुह बीजेडी और कांग्रेस सामान ढंग से सामान रणनीति से प्रचार कर समस्त गोटे प्रकार रोचे जे कि भाव में अधिक रू अधिक लोक पहुँच पार जेहेतु बर्तमान समय कमुची तेणु समय अल्प समय व्यवधान भितर जदि देखा जे कैंपेन करने व्यवस्था कर कैंपेन कि भाव में कर सब जो प्रार्थी रही जोरसोर लगी। बालेश्वर सत्य सेनापति न्यूज 18 ओडिया।
ଦହର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖଡ଼ିରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପରେ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି କରାଯିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ରହିଲା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଥିଲା ସେ ସବୁଥିରେ ଅନ୍ତ ଘଟିସାରିଛି, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା କହିବା ବନ୍ଦିତା, ତେବେ କଟକ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋର ଧରୁଛି। ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ପ୍ରତିମା ତିଆରି ହେଉଛି। ଚାଉଳଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ 4 ଫୁଟର ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 1 ମାଟିଆ 2 ମାଟିଆ କରାଯିବା ପରେ ଖଡ଼ିରଙ୍ଗ 2 ଦିନ ତଳେ ଲାଗି କରାଗଲା ଖଡ଼ି ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ଏବଂ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ କଟକ ଦଶହରା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ତାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହେବ, ଯଥା ରୀତିନୀତି ହେବ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ମଉସା, ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କେତେ ସୁବିଧା ନା ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା? ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। କାମ କେବେଠୁ, ରଙ୍ଗ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସରିବା? ରଙ୍ଗ କାମ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୈଷୟବାବୁ କହିବେ କି ମାଙ୍କର ତ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକି ତିଆରି କଲେ, ଏବେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ କିଭଳିଆ ପୂଜା ବିଧିନୀତି ରହିବ? ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 7 ଜଣ ରହିବେ। ଆମର ଏଠି ପୂଜା ପାଖରେ ପୂଜକ 6 ଜଣ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା 8-10 ଜଣ ରହିକି ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି କରିବା ଆଉ। ବାକି ପରଦା ଆଡ଼ୁଆଳରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ତ ଆମର ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବାହାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ କାହାରି ବି କେହି ବି ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଦୂର ଗଲା, ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଆସିକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ କଟକଣା ଅଛି। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ ଏଠି ରୁହେ, ଏ ବର୍ଷ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିପାରିବ ନା? ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ଚାନ୍ଦି ଗହଣା, ସୁନା ଗହଣା କିଛି ଆମେ ଠାକୁରାଣୀକି ଅର୍ପଣ କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଏବେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ, 5.5 କେଜିର ଓଜନର ମାଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଭୂଷିତ କରାଯାଇଥାଏ ଚାନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ, ଏବଂ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। 5.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ରହିଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ନୁହଁ, କଟକରେ ଏମିତି 24 ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ବା ବଡ଼ ମେଢ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 4 ଫୁଟରୁ ଉଚ୍ଚ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 9ଟି ଅନ୍ତତଃ ବଡ଼ ମେଢ଼ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଲକୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହି କଟକଣା ଭିତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜାବିଧିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଇଯିବା ଏକ ବିରତି।